इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पे तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ख़ास तौर पर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन विधानसभा क्षेत्र की जनता लग चुकी है एक बार दोबारा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये सच साबित होता है, इधर देखो भीड़, ख़ास तौर पर नौजवान निकल चुके हैं अपनी उस बेकारी, अपनी उस समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। और आज एक युवा खुद मौजूद है, मैं खुद ही जानना चाहता हूं कि आपका मुकाबला किसी से है या नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं भैया, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। हाँ। हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। हाँ। और आपकी दुआ से इंशाल्लाह 60 से 70 हज़ार से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ निकले हुए हैं, अपना परिचय दीजिए और किस तरह से रणनीति बनाई आपने चुनाव जीतने। हमारा नाम अजय यादव है, हम जिला पंचायत के पूर्व मेंबर हैं, मोहम्मदाबाद विधानसभा के रहने वाले हैं। पूरा मोहम्मदाबाद विधानसभा का नौजवान, पूरा मोहम्मदाबाद सभा का किसान, पूरा मोहम्मदाबाद सभा का हर जाति और धर्म के लोग, जाति धर्म से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी का जमानत करने के लिए यहाँ चल दिए हैं। और मैं आपसे चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज समाजवादी पार्टी का परचम फहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मट्टी में मिल गई है, इसको दिखाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता। कहाँ ग्रहण गुप्ता जी? आप मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद की ये बताइए कि चुनाव का माहौल चल रहा है इस वक्त, मोहम्मदाबाद का क्या हालात है? मोहम्मदाबाद का हालत ठीक है, सपा यहाँ से जीतेगी। क्यों जीतेगी? इतना बेरोजगारी हो गया है और इतना जो है महंगाई हो गया है, पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया है, डीजल हो गया है, नौजवान जो है बेरोजगार हैं। इसलिए हम लोग इस बार जो है साइकिल को वोट देंगे। अच्छा। हाँ, मूड बना लिए हैं। हाँ, क्यों बेरोजगारी खत्म नहीं हुई? कहाँ खत्म हुई? खत्म नहीं हुई। मोदी जी ने कहा था अपना। हाँ, कहे थे लेकिन उनका सब हवा हवाई हो गया। 2014 में क्या कहा था उन्होंने? कि सभी लोगों को रोजगार देंगे, पेट्रोल 25 रुपया लीटर बेचेंगे। हाँ। ये सब कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। इसलिए आप लोग मूड बनाए हैं कि इस बार साइकिल को जिताना है हम लोगों को।